साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। आज तक आपने सुना होगा कि किन्नर दुआएं देते हैं, लेकिन यहां पर तो अजीबोगरीब मामला देखने को मिल रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। 20 सड़क पर मचा घमासान, किन्नरों ने दूसरे किन्नरों पर किया हमला, इलाके की वसूली के लिए मची गदर, पुलिस किन्नरों पर लेगी एक्शन। किन्नर आज तक सिर्फ दुआएं देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहराइच जिले में तो कुछ अलग ही देखने को मिला है। बता दें कि जिले में एरिया वसूली को लेकर एक किन्नर समुदाय दूसरे किन्नर समुदाय से भिड़ गए और किन्नरों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने लगे। देखते ही देखते कई किन्नर गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक एक किन्नर समुदाय बहराइच का तो वहीं पर दूसरा श्रावस्ती का बताया जा रहा है। ये पूरा मामला बहराइच जिले में एसएसपी कार्यालय से सामने आया है। किन्नरों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर जमकर हंगामा काटा है। इस मामले में एसएसपी ने खुद हस्तक्षेप करते हुए किन्नरों को समझाया बुझाया है। वहीं पर किन्नरों के बीच छिड़ी ये जंग इतनी बढ़ गई कि लखनऊ से किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य गुड्डन किन्नर को खुद इस मामले में दखल देनी पड़ी। मामला ये है, विशेषगंज थाने का है और पयागपुर थाने का है, जहां पर हमारी सुनीता किन्नर विशेषगंज के मालिक को वहां पर पयागपुर थाने के पास आगे एक पेट्रोल पंप पड़ता, वहां पर गाड़ियां रोक के 20-25 किन्नरों ने इनको मारा। इनको बाल काटने जा रहे थे इनकी कैंची से। आप किसी की मर्जी के बगैर किसी के साथ आप भद्रता नहीं कर सकते। समाज की ये अवहेलना है और समाज को गंदा करना है। किन्नर समाज लोग जो गंदा कर रहे हैं उनके खिलाफ हमारे किन्नर कल्याण बोर्ड की तरफ से मैं गुड्डन किन्नर मैं यहाँ पर आई हूँ। जो भी प्रताड़ित किन्नर हैं उनके उनकी गुहार हम लोगों ने लगाई है और हमारे बोर्ड के थ्रू इनका मामला सॉल्व किया जाएगा। और एडिशनल साहब ने भी आश्वासन दिया है बहुत जल्द से जल्द जो उनका छीन के लेके गए हैं, मारा पीटा है, उन पर केस भी दर्ज होगा और उनका जो भी माल गया है वो कल हर हाल में वो दे जाएंगे। हम लोगों ने देखा होगा कि किन्नर कभी भी आपस में नहीं भिड़ते हैं, लेकिन अब किन्नरों ने भी अपने हक की आवाज उठाना शुरू कर दी है। इस घमासान के बाद मामला बहराइच से लेकर श्रावस्ती तक उलझा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 3 सितंबर के दिन विशेषगंज की किन्नर गुरु सुनीता के साथ किन्नर इलाके में बधाई मांगने गए थे। गुरु सुनीता और किन्नर नजदीकी पेट्रोल पंप तक ही पहुंचे थे कि तभी दूसरी तरफ से गाड़ी में बैठे लगभग 20 से 25 किन्नरों ने इन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में किन्नर खुद को बचा ना सके और दूसरे किन्नर समुदाय ने इन किन्नरों की जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें कि हमला करने वाले ये किन्नर पड़ोसी जिला श्रावस्ती के बताए जा रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है कि ये किन्नर गरीबे किन्नर की गैंग के हैं, जो अब बहराइच में बधाई मांगने के हक पर कब्जा जमाना चाहते हैं। आपको बता दें कि किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य गुड्डन किन्नर ने खुद इस मामले में दखल देते हुए बहराइच पहुंची। उन्होंने पीड़ित किन्नरों से मिलकर घटना की जानकारी ली और एसएसपी से मिलकर आरोपी किन्नरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल देखना ये होगा कि ये मामला किस नतीजे पर पहुंचता है। फिलहाल इस कड़ी में बस इतना ही, आगे हम आपको ऐसे ही अपराध जगत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच